नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इसमें मैं हूँ ये जो देख रहे हैं चौराहा, ये है आपका गिरजाघर चौराहा, और सामने जो देख रहे हैं ये है गिरजाघर चर्च। और ये जो रास्ता है ये आपका सीधे गोदौलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट के लिए चला जाता है। और देखिए यहीं से एक बैरिकेड लगा दिया गया है कि जो भारी वाहन है वो प्रवेश न कर पाए ये इसके अंदर, यानी जो ये गिरजाघर और गोदौलिया जो जाने वाला जो रास्ता है, यानी उस पर भारी वाहन न जा सके। और ये देखिए इसका भी निर्माण कार्य इसमें चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये पत्थर लगाया जा रहा है इस साइड। और यह जो रास्ता है इसे गौरव पथ का नाम दिया गया है। इस साइड देखेंगे तो ये है गोदौलिया का दूध मंडी, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये गली में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दूध बिकता है। और इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं, और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं यह सुबह का 9 बजे का है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है गोदौलिया चौराहा, जो कि एक साइड वाला रोड आपका बीएचयू सिंहद्वार के लिए चला जाएगा, और वहीं बाएं साइड वाला रोड जो है वो आपका बुलानाला होते हुए मैदागिंग के लिए चला जाएगा। और ये जो सीधा रास्ता है ये आपका दशाश्वमेध घाट के लिए चला जाएगा। और यह जो आप देख रहे हैं यह दो पहिया वाहन पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग है। और यही सामने आप देख रहे होंगे जो कि LED स्क्रीन लगा हुआ है, और इस समय लाइव काशी विश्वनाथ का आप दर्शन कर सकते हैं जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। तो चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। और देखा जाए तो ये भी जो रास्ता है ये भी आपका सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चला जाएगा, और जो कि यही रास्ता जो आगे जाने पर मणिकर्णिका घाट के लिए भी चला जाता है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मारवाड़ी अस्पताल। और देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाता है गंगा पथ, इस रोड को गंगा पथ का नाम दिया गया है। और आपका इसी जगह से आपका गोदौलिया मार्केट भी स्टार्ट हो जाता है। और इस समय जो भीड़ देख रहे हैं ये पूरा सुबह का समय है, और ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे ये सब दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं गंगा में नहाने के लिए। और उसके बाद देखा जाए तो यानी 11 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट भी लगना शुरू हो जाता है, जब उस समय पूरा क्या कहते हैं कि तब कस्टमरों का भीड़ लगा रहता है, और सबसे ज़्यादा भीड़ देखा जाए तो शाम को ही ज़्यादा रहता है यहाँ पर। एक चीज़ और भी देख रहे होंगे जो कि जितने भी दुकान की शटर हैं और पूरा जो बिल्डिंग है ये कलर में आप देख रहे होंगे जो कि पूरा रंग दिया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो इसे पिंक कॉरिडोर का भी नाम दिया गया है। देख रहे होंगे जो कि बहुत से लोग हैं जो कि फुटपाथ पर कपड़े बेच रहे हैं। और यही देखा जाए तो बगल में ये देखिए ये श्री शांतिकेश्वर महादेव का मंदिर भी है, ये देखिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे। देखिए सामने ही आप देख रहे होंगे जो कि लक्ष्मी साड़ी घर है, काफ़ी फेमस है, और सुविधा साड़ी घर भी है।
देखिए यहाँ पर रुद्राक्ष भी बेचा जा रहा है। तो आगे ही देखेंगे, तो ये देखिए सामने आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए ये काशी विश्वनाथ सिंह द्वार है। और देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए यह मुख्य द्वार है, वैसे तो कई रास्ते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। ये देखिए यही गली है जो कि आपका काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चला जाता है। और देखिए इस समय सुबह का समय है, यहाँ पर देखिए खिचड़ी बाबा का मंदिर है और इस समय यहाँ पर देखिए खिचड़ी भी बन रहा है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर प्रसाद जो कि वितरित होगा। और इसी खिचड़ी बाबा के मंदिर के ठीक सामने आप देखेंगे तो ये एक है श्रीदेव बृहस्पति मंदिर, ये देखिए इसका मुख्य द्वार है ये जाने के लिए, और ये ऊपर मंदिर। और चलिए आपको चलते हैं आगे भी, और ये जो रास्ता है आपका सीधे दशाश्वमेध घाट राजेंद्र प्रसाद घाट के लिए चला जाता है। ये देख रहे हैं दर्शनार्थियों का काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे थे ये आपका सीधे आपका ये दशाश्वमेध, ये इस साइड दशाश्वमेध जाएगा और ये जो रास्ता है ये आपका गोदौलिया चला जाएगा। और सामने ही आप देख रहे होंगे जो कि ये आपका काशी विश्वनाथ सिंह द्वार है, और यहीं पे देखिए आपका जो ये गोदौलिया गंगा पथ है उसी बगल में ये देखिए एक गैलरी बनाया गया है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने। पूरा यहाँ से पूरा दिखाया है तो वो आपका बृहस्पति मंदिर है वहाँ तक पूरा लगा हुआ है, और जिस प्रकार इस साइड बनाया हुआ है गैलरी है उसी साइड उस पार भी ये बनाया हुआ है। चलिए उधर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस साइड भी कुछ पेड़ लगा हुआ है, ये देख रहे हैं इधर जो है कि अमरूद का पेड़ है और इधर किस चीज़ का पेड़ है ये तो जानकारी नहीं है, किसी फूल पत्ती का ही होगा। और देखिए इस साइड भी पूरा पेड़ लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। देखिए इसी वाले रास्ते पे अगर आप जाएंगे दाहिने साइड से तो यहाँ पर आपका दशाश्वमेध का सब्जी मार्केट भी है और इसमें लगा हुआ भी है। सुबह का समय है, तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ राजेंद्र प्रसाद घाट पर और उसके बाद आपको लेकर चलूँगा दशाश्वमेध घाट। देखते हैं बाढ़ के बाद कैसा नज़ारा है घाट का। अब तो देखा जाए तो पानी भी धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, और देखिए सामने ही आप देखेंगे कि एक LED स्क्रीन भी लगाया गया है जो कि इस समय किसी चीज़ का इस समय प्रचार दे रहा है। ये जो रास्ता है ये आपका सीधे राजेंद्र प्रसाद घाट के लिए चला जाएगा, और कुछ यहाँ पर सब्जी मार्केट भी है इसी वाले रास्ते में।
आपको तो किराया 2 किलो टुकड़ा नहीं कर दी ये देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद घाट का नजारा कुछ इस प्रकार है। पहले जब बाढ़ आया था पूरा पानी देखिए यहाँ तक आ गया था, अब देख रहे हैं पानी पूरा वहाँ तक कम हो गया है। और ये जो देख रहे हैं ये है सीवेज पंपिंग स्टेशन। और पिछले कुछ दिन पहले ही नाव का संचालन भी शुरू हो चुका है, और जब बाढ़ आया तो उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। ये देखिए अभी भी पानी यहाँ तक है, जो कि इसके नीचे भी अभी सीढ़ी है, पूरा सीढ़ी के माध्यम से आप पूरे घाट घूम सकते हैं। और सामने ये देख रहा है ये है मान मंदिर घाट, ये जो है मान मंदिर घाट है। देखिए LED स्क्रीन ये राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी लगा हुआ है, जो कि सामने आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जो कि मिट्टी का ढेर पूरा देखिए यहाँ तक पूरा अभी तक है, इसे धीरे धीरे पानी का प्रेशर देकर इसे बहाया जा रहा है। तो चलिए आगे भी आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर, और देखिए जिस प्रकार सभी घाटों को देखिए इसी प्रकार पूरा लिखा जा रहा है, और पूरा स्थानीय बोर्ड ये देखिए पूरा बना हुआ है, और इस घाट के बारे में पूरा जानकारी हिंदी में और इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे होंगे। और जब उस समय जब बाढ़ आया था वो जो आप सामने देख रहे हैं ये रिवर पुलिस डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, ये भी पूरी तरह से डूब चुका था।
देख रहे हैं अभी भी इतना पानी है कि आप एक घाट से दूसरे घाट पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीढ़ी था जो कि यहाँ पानी होने की वजह से यह रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है। तो चलिए यहाँ से रास्ता बनाया गया है, यहीं से आपको लेकर चलते हैं आगे। ये देख रहे हैं पूरा मिट्टी, पूरा ये पूरा पत्थर पूरा बिछा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरा मिट्टी पूरा यहाँ देख रहे हैं पूरा अंदर तक, ये जो है मंदिर के अंदर तक पूरा घुस चुका है मिट्टी बालू। देखते हैं अगर आगे रास्ता रहा तो आगे और आपको लेकर चलेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ से रास्ता टेम्परेरी बनाया गया है आने जाने के लिए। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एक बाढ़ का बनाया था, तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि प्रयाग घाट वाराणसी में नहीं है, तो आपको बता दें कि ये देखिए जो कि पहले दशाश्वमेध घाट का ही हिस्सा था, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर भी एक देखिए ये प्रयाग घाट है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और सामने जो देख रहे हैं वो आपका शीतला माता मंदिर भी है और शीतला घाट भी उसे कहा जाता है। ये देखिए कुछ नज़ारा इस प्रकार है, अभी भी इतना ज़्यादा पानी है कि आप एक घाट से दूसरे घाट पर नहीं जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, अब आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये देख रहे हैं पानी में पूरा गंदगी। लेकर चलते हैं आपको आगे। ये देख रहे हैं ये बैठने वाला पूरा ये बना हुआ है, लेकिन इस पे से सभी लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका प्रयाग घाट है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो हकीकत है मैं उसी को बोलता हूँ। ये देखिए पूरा पानी यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। ये देख रहे हैं अभी भी मैं दशाश्वमेध घाट पर ही हूँ। ये देखिए ये बाढ़ में पूरा बह के आया हुआ, ये पूरा देख रहे होंगे जो कि लकड़ी पूरा कूड़ा है, और इसे देखा जाए तो ये किनारे किया गया है, और सामने है आपका बड़ी शीतला माता का मंदिर। तो दोस्तों आगे तो रास्ता बंद है, तो यहीं तक मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।